थोड़ी देर में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम। भारत मंडपम में आयोजित होंगे कार्यक्रम, कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ आज मनाएगा हिंदू नव वर्ष उत्सव। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित, 31 महामंडलेश्वर समेत 5000 से ज्यादा संत होंगे शामिल। हिंदू नववर्ष उत्सव कार्यक्रम में दिल्ली के सभी बीजेपी उम्मीदवार होंगे शामिल। 51,000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। आज मिशन राजस्थान पर पीएम मोदी जालौर और बांसवाड़ा में करेंगे रैली। गृहमंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में करेंगे रैली और जनसभाएं। झारखंड की राजधानी रांची में आज इंडिया गठबंधन की न्याय महारैली। राहुल खड़गे, अखिलेश, लालू और तेजस्वी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता होंगे शामिल। रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी होंगी शामिल। 5 लाख लोगों के जुटने का किया दावा। वोटर्स के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मीटिंग करेगी बीजेपी। 1000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर होंगे शामिल। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की अहम बैठक आज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। केजरीवाल को लेकर तैयार, प्रशासन ने एलजी को सौंपी रिपोर्ट। का गिरफ्तारी से कई महीने पहले इंसुलिन बंद कर चुके थे केजरीवाल। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार। 2014 में चुने गए थे सांसद। पीएम ने सर्वेश सिंह के निधन पर दुख जताया, कहा सर्वेश सिंह का जाना पूर्ण क्षति। एक्टर पंकज त्रिपाठी की बहन और जीजा के कार हादसे का वीडियो आया सामने, जहां हादसे में आपको बता दें पंकज त्रिपाठी के जीजा की मौत हो गई और पंकज त्रिपाठी की बहन गंभीर रूप से घायल है। गुरुग्राम के धनवारपुर में गांव में गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। पानी के कारोबार को लेकर आपस में भिड़ंत हुई। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गुरुग्राम में अचानक गिरी दीवार। मलबे में दबने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई। 2 लोग अस्पताल में भर्ती। पंजाब के रूपनगर में मकान ढहने से 4 मजदूरों की मौत हुई। 1 मजदूर को बचाया गया। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में भरभराकर ढह गई 3 मंजिला इमारत। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। मुरादाबाद में एलपीजी के सिलेंडर ट्रक में आग लगी। बम की तरह सिलेंडर फटने लगे। धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। पूर्वी दिल्ली में 2 बच्चों की हत्या से सनसनी। कमरे में जख्मी हालत में मां मिली। आनंद विहार में फरार पिता की तलाश जारी। इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुलगावी के पास बस पलट गई। 1 यात्री की मौत हुई। हादसे में 3 यात्री घायल हुए। नवी मुंबई में बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नकली एयरबैग बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। 921 एयरबैग भी बरामद किए गए। फिरोजपुर में बीएसएफ ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी को नाकाम किया। ड्रोन बरामद। हेरोइन के 3 संदिग्ध पैकेट भी जब्त किए गए। आईपीएल में आज दोपहर 3:30 बजे केकेआर और आरसीबी के बीच होगा मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन में दोनों टीमें आमने सामने। कर्नाटक के कथील मंदिर में भक्तों की अग्नि खेल और उत्सव में भक्तों ने एक दूसरे पर आग के गोले फेंके।